हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रगति इंस्टीट्यूट सरकंडा बिलासपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं भूपेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट सर्विस SAF एग्जामिनेशन 2020 के इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत आने वाली लेटर राइटिंग के बारे में, एक चैप्टर है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसमें जो दिया हुआ है लेटर राइटिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली लेटर राइटिंग एक ऐसा पार्ट होता है जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है ना। आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको लेटर, एक मैटर दे दिया जाएगा, एक सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, उस सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको एक लेटर फॉर्म करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारा जो एग्ज़ामिनेशन है वो MCQ टाइप का, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन में आपसे लेटर राइटिंग लिखने के लिए नहीं कहा जाएगा, तो यहाँ से MCQ टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। तो अपन दोनों की बात करेंगे, कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप का, कुछ उसके थ्योरीज को भी देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में कुछ MCQs भी सॉल्व करेंगे जो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्रूशियल हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले, जैसे कि टॉपिक आपको दिख रहा होगा लेटर राइटिंग, है ना। तो लेटर राइटिंग होता क्या है बेसिकली, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे लेटर्स होते हैं, इनके बारे में अपन देखते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे लेटर राइटिंग दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ लेटर की बात करते हैं तो बेसिकली लेटर के जो हैं वो दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। एक इसको कहा जाता है हिंदी में औपचारिक पत्र और दूसरे को कहा जाता है अनौपचारिक पत्र। तो फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, जिनसे हम फॉर्मेलिटी करते हैं, जिनसे हमारा औपचारिक संबंध होता है, जिनसे हमारा कोई निजी रिलेशन नहीं होता, कोई व्यक्तिगत रिलेशन नहीं होता है, वहाँ पर हम फॉर्मल लेटर्स का यूज़ करेंगे। उनके साथ अगर हम कुछ लेटर एक्सचेंज कर रहे हैं तो ठीक, वहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मल लेटर्स का यूज़ करेंगे। वहीं पर जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे दोस्त यार हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे रिलेशन में आते हैं, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, ये जो हो गए, तो इनको यदि हम कोई लेटर भेजते हैं, इनको यदि कोई हम पत्र भेजते हैं, तो वो कहलाएगा आपका इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। बाकी सबको पता होगा आजकल इसका ट्रेंड काफ़ी कम हो चुका है, बिल्कुल व्हाट्सअप और मैसेजिंग के माध्यम से हम ये इनफॉर्मल लेटर्स का काम कर लेते हैं, बट फॉर्मल लेटर्स का क्रेज अभी भी है। तो हम केवल यहाँ पे फॉर्मल लेटर्स के बारे में देखेंगे, इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रकार क्या क्या होते हैं, तो फॉर्मल लेटर्स के बेसिकली जो और क्या क्या इसके अंतर्गत कौन कौन आ सकते हैं, तो आपके ऑफिशियल, जितने भी ऑफिशियल लेटर हैं, जो भी एक आधिकारिक पत्र होता है, चाहे वो किसी भी ऑफिस से हो, गवर्नमेंट की किसी भी सेक्टर से या प्राइवेट किसी भी सेक्टर से, किसी भी व्यक्ति के लिए हो या किसी भी व्यक्ति का गवर्नमेंट के लिए या प्राइवेट सेक्टर के लिए लिखा गया जो लेटर्स होता है, वो सारे के सारे किस में आएंगे, ऑफिशियल लेटर में आएंगे। इसमें कलेक्टर, एडिटर, मैनेजर, डायरेक्टर, इन सब को छोड़ करके भी और हम किसी को भी लेटर्स दे सकते हैं, ठीक है। वो कहलाएगा आपका ऑफिशियल लेटर। कंप्लेंट लेटर जो होता है, शिकायती पत्र जिसको बोलते हैं, अगर आपके मोहल्ले में, आपकी गली में सफाई नहीं हो रही है, बिजली की समस्या है या और कुछ कुछ जिस भी प्रकार की समस्या है, उन समस्याओं को लेकर के यदि आप किसी भी अधिकारी को, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिसर को यदि आप लेटर लिखते हैं, तो वो कहलाएगा आपका कंप्लेंट लेटर, ठीक है। नेक्स्ट होता है बिजनेस लेटर। ये भी जो ट्रेड हमारा, ट्रेड रिलेशन जो होता है हमारा, जो व्यापारिक संबंध होता है, उसके बेसिस पे होता है, ठीक है। हम बिजनेस लेटर लिखते हैं, किसी एक फर्म का जो व्यक्ति है, एक फर्म का जो ऑनर है, वो दूसरे फर्म के ऑनर को, ठीक है, ऐसे इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है, उनके बीच में जो लेटर का एक्सचेंज होगा, वो बिजनेस लेटर के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जो भी हमारे एप्लीकेशन होते हैं, चाहे वो कैसा भी एप्लीकेशन हो, गवर्नमेंट सेक्टर का हो, प्राइवेट सेक्टर का हो, स्कूलों में हो, सारे एप्लीकेशन, सारे आवेदन पत्र जो होते हैं, अगर आपको किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई गवर्नमेंट का जो प्लान चल रहा है, जो योजना चल रही है, योजना का आप फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, आप उसके लिए कोई कंप्लेन लिखेंगे या कोई उसके लिए कोई एप्लीकेशन लिखेंगे, ये सारे के सारे आप एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आते हैं। जॉब लेटर, CVV जिसको बोलते हैं, आपका जो रिज्यूमे होगा, वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे, आपके फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आएंगे। फॉर्मल लेटर का जो, ये तो हो गया टाइप करना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं फॉर्मल लेटर में, वो अपन देखते हैं। तो जितने भी ऑफिशियल ऑर्डर होते हैं, अगर कल की कल आप रेंजर या SAF बन जाते हैं, उसके बाद आपको जो आपके डिपार्टमेंट से जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ठीक है, वो आपका ऑफिशियल ऑर्डर जितने भी होते हैं, है ना, चाहे किसी काम को कराने के लिए हो, ये सारे के सारे ऑफिशियल ऑर्डर फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आते हैं। रिमाइंडर हो गया, अगर हमने किसी को कुछ, जैसे मान लिया है किसी गवर्नमेंट सेक्टर में किसी कर्मचारी के लिए SCN जारी हुआ, सो कॉज नोटिस जारी हुआ, और सो कॉज नोटिस का वो उन्होंने टाइम पे जवाब नहीं दिया, तो उसके भी आप में क्या किया जाएगा, उसके लिए तुरंत एक रिमाइंडर जारी किया जाएगा कि आपने इतने इतने दिन तक आपको सो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था, आपने नहीं दिया, ठीक है, तो आप जल्दी से उसको आकर के पुटअप कीजिए। इस तरह की रिमाइंडर लेटर जो जारी होता है दोबारा, ठीक है, उसको स्मरण पत्र जिसको बोलते हैं, याद दिलाने के लिए। नेक्स्ट होता है कम्युनिकी,
अगर किसी ऑफिशियल में, अगर किसी ऑफिशियल सेक्टर के द्वारा या किसी कार्यालय से कुछ कहना चाहिए प्रेस के लिए, है ना, प्रेस के लिए कुछ ऐसा पत्र जारी होता है जो विज्ञप्ति होती है, सरकारी विज्ञप्ति को अगर उसको किसी प्रेस में भेजना हो तो जो लेटर जारी होगा उसके लिए वो कहलाएगा कम्युनिकी। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है, अगर ऑफिशियल लेटर को बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में, माफ़ कीजिएगा, बहुत बड़ी संख्या में अगर जारी किया जाता है तो वो कहलाता है सर्कुलर, इसको हिंदी में बोलते हैं परिपत्र। ठीक है, तो लार्ज एक कहना चाहिए नंबर में ये जारी होता है जब कोई भी ऑफिशियल लेटर, इसको सर्कुलर कहते हैं। नोटिफिकेशन, अगर कोई ऑफिशियल लेटर किसी गजट ऑफ इंडिया में या फिर छत्तीसगढ़ के गजट में कहीं पे भी अगर प्रकाशित होता है, पब्लिश होता है, तो वहाँ पे उसको हम कहेंगे नोटिफिकेशन। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम होता है, मेमो जिसको बोलते हैं, अगर किसी चीज़ को लेकर के हम ज्ञापन जो सौंपते हैं, ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, वो कहलाता है आपका मेमोरेंडम, जो भी ज्ञापन होता है। ठीक है, ज्ञापन कहना चाहिए। टेंडर नोटिस, अगर किसी काम को कराने के लिए, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, कंस्ट्रक्शन वर्क को कराने के लिए जो नोटिस पब्लिश किया जाता है वो भी एक टाइप का आधिकारिक पत्र ही होता है, ऑफिशियल लेटर ही होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है टेंडर नोटिस। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, इन इन सब के अलावा बीच में एक और चीज़ आती है ना, जो इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है, जो कि फॉर्मल लेटर्स भी होता है और इनफॉर्मल लेटर्स भी होता है, दोनों के बीच का काम करता है, उसको कहते हैं डीओ। ठीक है, डीओ मतलब होता है डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है, डीओ मतलब होता है डेमी ऑफिशियल लेटर। तो डेमी ऑफिशियल लेटर क्या होता है, अगर मान लिया आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और उस गवर्नमेंट सेक्टर में आपका सबऑर्डिनेट या फिर आपके जो हायर लेवल के जो ऑफिसर हैं वो आपके रिलेशन के हैं या आपके पहचान के हैं, आपके फ्रेंड हैं, तो आप उनसे जब जब कभी भी कुछ लेटर देंगे तो फिर वो क्या होगा, वो आपका होगा डीओ लेटर, क्योंकि आपकी उनसे पहचान भी है और आप वो आपके ऑफिशियल रिलेशन भी उनका, और फॉर्मल रिलेशन है, इनफॉर्मल दोनों टाइप का रिलेशन है। तो जब दोनों टाइप का रिलेशन होता है तो वहाँ पे डीओ की बात करते हैं हम, डेमी ऑफिशियल जिसको बोलते हैं। तो जाना हुआ है, हम चाहें तो उसको ऐसे ही किसी काम के लिए बोल सकते हैं, कह सकते हैं, परंतु ऐसे नहीं कह सकते। क्यों क्यों नहीं कह सकेंगे, क्योंकि हमको हमारे सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, जब अगर हम किसी एक ऑफिस के ऑफिसर हैं तो हम हमारी सारी एक्टिविटीज़ को हमको रिकॉर्ड रखना पड़ता है, तो रिकॉर्ड रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या करना पड़ेगा, उनको एक डीओ लेटर भेजना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें हम उसको एक पर्सनल टच भी दे सकते हैं और हमारी ऑफिशियल एक्टिविटीज़ है या जो भी हमारी डिज़ायर है उसको हम वहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डीओ होता है, डेमी ऑफिशियल लेटर, अर्धशासकीय पत्र जिसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन सब का मैं ब्रीफ में एनालिसिस कर देता हूँ, आप देख रहे होंगे, ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है, है ना। इनके फॉर्मेट क्या क्या होते हैं, इनके अंग क्या क्या होते हैं, उनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा वन लाइनर चर्चा कर लेते हैं। फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर लिखने के लिए क्या क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किस फॉर्मेट में हम लिखते हैं, उसका जो खाका जिसको कहते हैं, उसका जो डिज़ाइन है वो कैसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेंडर एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे हेडर की बात करते हैं, ये हेडर होता है, ठीक है, हेडिंग होती किसी भी लेटर की, तो हेडिंग लिखते हैं। ठीक है, हेडिंग के साथ साथ उसमें क्या रहेगा, हेडिंग में सेंडर्स एड्रेस क्या रहेगा, सेंडर्स एड्रेस देखिए कहाँ पे रहेगा, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, है ना, राइट सेंडर्स एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो भी भेजने वाला है उसका जो एड्रेस डिटेल है, ठीक है, वो कहाँ रहेगा, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, लेफ्ट पेज के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट इंडेंट में उसको क्या करना है, आपको लिखना है, सबसे पहले यही रहेगा। ये हेडिंग का एक पोर्शन होता है, हेडिंग का एक भाग होता है। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके डेट की बात करते हैं। जैसे ही आपने सेंडर से एड्रेस लिखा, कोशिश कीजिए, जैसे मान लिया है किसी का एड्रेस है, बहुत लंबा चौड़ा एड्रेस है, तो कोशिश कीजिए उस एड्रेस को शॉर्ट में लिखने का। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा एड्रेस आपको नहीं लिखना है, दो से तीन लाइन में एड्रेस खत्म हो जाए, और प्रत्येक एड्रेस के लास्ट में जो एड्रेस की जो लाइन होती है, यदि आप तीन लाइन में लिख रहे हैं तो लास्ट जो पहली लाइन की लास्ट होती है वहाँ पे कॉमा आपको नहीं लगाना है। अगर यदि आप लेटर फॉर्म करते हैं तो, ठीक है, जो मेंस का एग्जामिनेशन देंगे या जो और कोई एग्जामिनेशन देंगे जहाँ पे लेटर फॉर्मेशन आएगा, तो वहाँ पे आपको वो काम नहीं करना है। हमारा तो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम है, तो हमको भी उस चीज़ को नोटिस करना है, करने को, अगर हमको ये दे दिया सही है गलत है, इस तरह का क्वेश्चन यदि आ गया तो हमको उसको बनाने में कोई दिक्कत ना आए। ये डेट की बात कर रहा था, तो डेट कहाँ होना चाहिए, सेंडर्स जहाँ पे सेंडर्स का एड्रेस होगा उसके एक लाइन छोड़ने के बाद एक स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद फिर डेट। डेट का फॉर्मेट क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है रिसीवर्स एड्रेस, अब जिसको हम दे रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं, जो ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस होना चाहिए। आफ्टर डेट राइट द एड्रेस, वही चीज़ जो मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
ठीक है। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। अब ये सब्जेक्ट क्या होना चाहिए लेटर का, वो अपन देख लेते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है, सब्जेक्ट होगा जो जिस विषय पर, जिसके बारे में, जिस चीज के लिए हम लेटर लिख रहे हैं, वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। हियर यू हैव टू मेंशन द मेन पर्पस ऑफ लेटर, ठीक है। मेन पर्पस की बात कर रहे हैं, जो मेन पर्पस है लेटर लिखने का, जो मुख्य उद्देश्य है, उसके बारे में आपको वहाँ पे बताना है। और इसको कोशिश करना है, कोशिश क्या कि 4 to 5 words, ठीक है, 4 to 5 or 6, इससे ज़्यादा नहीं। सब्जेक्ट कभी भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि उसमें आप जो भी बातें कहना चाह रहे हैं वो सारी बातें उसमें समाहित हो, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो कोशिश है कि 4 to 5 letters में ये आपके MCQ में पूछ सकता है। सब्जेक्ट शुड बी, ठीक है, कितने अक्षरों में होना है, कितने वर्ड्स में होना चाहिए, तो 4 to 5 words, ठीक है। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन, अब सैल्यूटेशन क्या लगाना है, जैसे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, या डियर सर, ऐसा कुछ भी लिखते हैं तो हम उसको क्या अभिवादन करना चाह रहे हैं, उनको क्या कहना चाह रहे हैं, उनके बारे में आप बता सकते हैं, ये सैल्यूटेशन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है हमारा बॉडी, इसका सीक्वेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है सीक्वेंस रिलेटेड, किस किस क्रम में कैसा कैसा होता करके, तो सीक्वेंस को आप एक शॉर्ट एक बॉक्स बना करके उसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। सीक्वेंस की बात करते हैं, तो देखिए बॉडी, बॉडी में क्या आता है, तो बेसिकली बॉडी का जो मेन बॉडी जो है लेटर का, कोई भी लेटर का मेन कंटेंट होता है, ठीक है। तो लेटर का जो कंटेंट होता है वो बेसिकली 3 paragraph में होना चाहिए। इसको तीन पैराग्राफ में अपन डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तीनों पैराग्राफ में। देखिए क्या क्या होता है, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, 3 से ज़्यादा paragraph में ना हो, ठीक है। कोशिश कीजिए कि एक हो तो अच्छी बात है, दो हो तो भी अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा आप तीन से ज़्यादा पैराग्राफ में आपको नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद लिखते हैं तो फिर, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या करना है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, पर्पस ऑफ राइटिंग इन ब्रीफ, जो सब्जेक्ट में आपने लिखा है उसी को आप ब्रीफ में समझा दीजिए। सेकंड पैराग्राफ में इट शुड इंक्लूड मैटर इन डिटेल, ठीक है, यहाँ पे आपको सेकंड पैराग्राफ में जो भी मैटर है, जो भी मामला है, उसको आपको डिटेल से लिख देना है। थर्ड पैराग्राफ में क्या करना है, हियर यू हैव टू कंक्लूड यूर लेटर बाय मेंशनिंग द कंक्लूजन, कंक्लूजन सम ऑफ करके लास्ट में कि क्या मैटर था, कैसे था, उसके बारे में सम ऑफ करके ये लास्ट पैराग्राफ में आपको लिखना होता है। नेक्स्ट होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जिसको हम सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, योर फैथफुली, योर सिंसियरली, अलग अलग लेटर्स के बिहाफ में अलग अलग चीज़ें, दोनों सही हैं, योर फैथफुली भी लिख सकते हैं, योर सिंसियरली भी लिख सकते हैं, कहाँ क्या लिखना है आगे बताऊँगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होता है, ठीक है, या इसको सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आए तो भी वही बात, सब्सक्रिप्शन बोले तो भी वही बात, ये योर्स जो भी लिखते हैं हम वो, और ये हमेशा शुरुआत, इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, ये भी बातें ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट है आपका सेंडर्स नेम, लास्ट में सेंडर्स नेम या सिग्नेचर या उनका डेजिग्नेशन जो भी है, अगर उनको डेजिग्नेशन वहाँ पे शो करना है तो डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, सिग्नेचर लिखना है तो सिग्नेचर, सेंडर्स नेम लिखना है तो सेंडर्स नेम, ठीक है, ये लिखना होता है। इसके ठीक नीचे में हम लिखते हैं, जैसे ही हम योर फैथफुली या योर फैथफुली या योर सिंसियरली लिखते हैं, उसके ठीक नीचे हम सेंडर्स नेम लिखते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद रेफरेंस इनिशियल, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑफिशियल लेटर में रेफरेंस इनिशियल का भी एक कॉलम रहता है, अगर आप किसी को रेफरेंस देना चाहते हैं कि ये कहना चाहिए, कॉपी या प्रतिलिपि की जो बात आती है, ठीक है, तो वहाँ पे रेफरेंस इनिशियल एक होता है, वो हम डाल सकते हैं। लास्ट में आता है इंक्लोजर, जो जिस रेफरेंस इनिशियल में जिस चीज़ की बात हुई है, ठीक है, उसी चीज़ को हम इंक्लोजर में लगा देते हैं। इंक्लोजर मतलब संलग्न, उसके साथ यदि आप कुछ और डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाह रहे हैं, और कोई सर्कुलर या और कोई लेटर्स उसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं, तो उसको कहा जाता है इंक्लोजर, राइट। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, Nowadays, all the parts of letter aligned on the left, ठीक है। एक दो टाइप का इसको कहा जाता है फुल ब्लॉक स्टाइल। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा एक इंडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था कि एड्रेस यहाँ पे लिखना है, इसको लेफ्ट में लिखना है, इसको राइट में लिखना है, इसको सेंटर में लिखना है, ऐसा कहा जाता था। बट जो मॉडर्न पैटर्न है, ठीक है, जो मॉडर्न तरीका है, उस मॉडर्न तरीके में, मॉडर्न पैटर्न में आपको सारी चीज़ों को लेफ्ट में लिखना है, सारी चीज़ें आपकी लेफ्ट में आती है, एक लेफ्ट अलाइनमेंट को फॉलो करना है आपको, जिसको कहा जाता है फुल ब्लॉक स्टाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सारे जो लेटर्स के मैटर होंगे वो कहाँ किस जगह अलाइन होंगे, लेफ्ट में, ठीक है। इंडेंटिंग नहीं करना है आपको, पहले हम इंडेंट पैटर्न में लिखते थे, ठीक है, जो ओल्ड होता था, और अभी जो मॉडर्न जो पैटर्न है उस पर हम लेफ्ट साइड में सब चीज़ को लिखते लिखते चलते हैं, उसको हम बोलते हैं फुल ब्लॉक स्टाइल, ठीक है। वी डू नॉट यूज़ कॉमर्स, जो बता चुका हूँ आपको, किसी भी एड्रेस के लास्ट लाइन में हमको कॉमा यूज़ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट
दिया हुआ है लेटर का, ये लेटर मैंने ही नहीं बनाया है, आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी के द्वारा जो गाइडलाइन है, सीबीएसई का जो गाइडलाइन है लेटर राइटिंग करने का, ये गाइडलाइन हाल फिलहाल में जारी किया गया था, 2020 में ही जारी किया गया था, जनवरी फरवरी में, ठीक है। तो ये गाइडलाइन है कि इसके हिसाब से फॉर्मेट कैसा रहेगा, किसकी कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखना है। तो जैसे देखिए आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पे डेमो लिया गया है, गिव बिलो द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, ठीक है, ये सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए पहले आपका नाम है ना, फिर एड्रेस जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, देखिए एक लाइन में छोड़ करके यहाँ पे एक लाइन छोड़ा गया है, फिर यहाँ पे डेट लिखा गया है, फिर वहाँ पे जो रिसीवर है उसका जो एड्रेस है, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन है, माफ़ कीजिएगा सब्जेक्ट है, फिर सैल्यूटेशन है, फिर ये आपका मेन लेटर ऑफ, ये मेन आपका बॉडी है, ठीक है, ये मेन बॉडी है आपके लेटर का, समझ आ रहा है, ठीक है। कैसे कैसे होता है इसी के बारे में बता रहा था, सेंडर से एड्रेस दिख रहा है, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन कहाँ पे होगा, सर मैडम कहाँ पे, ये आपको यहाँ पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, यहाँ पे कैसे लिखना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई लेटर राइटिंग नहीं करनी है, ठीक है, हमको सिर्फ सीक्वेंस दिखाना है क्या क्या रहेगा बॉडी में, पहले बिगिनिंग क्या होता है, फिर मेन कंटेंट क्या रहेगा, फिर एंडिंग में क्या होगा, उन चीज़ों को हमको बताना है, समझ में आ रही बात। आप स्क्रीन शॉट लेकर के देख लीजिएगा, या इसको मैं आपको इसका जो PDF है मैं आपको डाउनलोड इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर है, फिर तो फिर प्रैक्टिस सेट करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट आ गया हमारा, प्रैक्टिस में कुछ MCQs क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने किया है, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या है, लेटर का जो फॉर्मेट होता है कभी कभी कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, ठीक है, कभी कभी किसी क्रम में कोई क्रम को फॉलो करता है, कोई नहीं करता है, अब ये ऑफिसर के मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो उस, कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं ये हमारा तरीका सही था, तो उस तरीके से भी लिखते हैं, कई लोग मॉडर्न पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, बट हमको एक स्टैंडर्ड को देखना है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमको स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना है। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट हमारा, तो पहला क्वेश्चन है विच लेटर्स आर इनफॉर्मल, इसमें से देखिए कौन से लेटर्स इनफॉर्मल होते हैं, ठीक है, कौन से लेटर इनफॉर्मल होंगे, तो जो भी, माफ कीजिएगा इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑफिशियल लेटर इज रिटन इन डस 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 लैंग्वेज, ठीक है, जो भी ऑफिशियल लेटर हैं वो कौन से लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तो आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा इम्पोलाइट नहीं होना है, हाईली इनफॉर्मल नहीं होना है, वेरी एम्बिगस, मतलब बहुत ज़्यादा हमको एक फ्लैटरशिप भी नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा रिजिडनेस भी नहीं दिखाना है, तो क्या होना चाहिए, हमारा जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज का हमको यूज़ करना चाहिए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इंक्लूड इन एन ऑफिशियल लेटर, ठीक है, अब इसमें से किस चीज़ को इंक्लूड करना है, किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले द एड्रेस ऑफ द रिसीवर है ना, ग्रीटिंग्स ऑफ, ग्रीटिंग्स फॉर द फैमिली ऑफ द रिसीवर, अब किसी के लिए ग्रीटिंग्स हम कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो जाएगा, और आपको ध्यान रखना है कि कभी भी लेटर्स क्या हो, पर्सनल ना हो, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे इन इंक्वायरी अबाउट द हेल्थ, यहाँ पे आप इंक्वायरी करने के लिए लेटर नहीं लिख रहे हैं, तो क्या होगा, सीधा सीधा द एड्रेस ऑफ रिसीवर, ठीक है, जो रिसीवर का एड्रेस है आपको उसी के बारे में लिखना है, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ठीक है, चूज द फ्रॉम द फॉलोइंग एन एक्सेप्टेबल वे ऑफ राइटिंग द डेट, अब देखिए डेट के फॉर्मेट की जो मैं बात कर रहा था, तो कौन सा फॉर्मेट सही होगा, तो डेट लिखने का अलग अलग, ये जो वैलिड फॉर्मेट है मैं बात किया, MCQ एग्जाम में भी आ सकता है, राइटिंग करते समय भी इस चीज़ को ध्यान में रखना है, तो जो वैलिड फॉर्मेट है, ठीक है, वैलिड फॉर्मेट की बात करेंगे तो वैलिड फॉर्मेट में हमारा क्या होगा, ये इस पैटर्न में हमको लिखना है, नंबर 4, आप कभी भी डेट लिखेंगे, डेट लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना है, यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद ही आपको ईयर लिखना है, ठीक है, बाकी ये सब इनवैलिड है, इनका कोई सेंस नहीं है, सारे के सारे इनवैलिड फॉर्मेट हैं। अच्छा, कई लोग ये भी करते हैं कि जैसे 24 लिखा आपने, अब 24 लिखने के बाद कई लोग की आदत होती है ऐसे TH लिख देते हैं 24th, तो ये भी सही नहीं है, ये इनफॉर्मल लेटर में यूज किया जाता है, फॉर्मल लेटर में इनका यूज़ नहीं किया जाता, तो आपका सही पैटर्न क्या होगा, ये होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, आपको एड्रेस जो मंथ है उसको भी आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, ध्यान रखेंगे इस बात का, मंथ जो है वो भी शॉर्ट में नहीं लिखना है, जो भी मंथ है वो पूरा पूरा लिख, जैसे अगस्त लिख रहे हैं आप तो AUG नहीं लिखना है, AUGUST,
पूरा पूरा होना चाहिए, ये आपका ये पैटर्न है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ ऑफिशियल लेटर शूड, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, कोई भी लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें इसके फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, तो पहला है आपका से समथिंग अबाउट द वेदर, ठीक है। अब वहाँ पे मौसम कैसा है, मैंने जब बताया था कि कोई भी पर्सनल बात आपको नहीं कहनी है फॉर्मल में, इस बात का ध्यान रखेंगे, अपने माइंडसेट आपको अपना माइंडसेट का लेना है एमसीक्यू सॉल्व करते समय एग्जाम हॉल में, कि कोई भी पर्सनल बातें यदि आती है तो उसको हमको एक लाइन से काट देना है सीधा। तो देखिए यहाँ सबसे सही ऑप्शन दिख रहा है हमको नंबर थर्ड, इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट एंड इंडिकेट द पर्पस ऑफ राइटिंग, सीधा सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराइए और जो पर्पस ऑफ राइटिंग है उसे सीधा इंडिकेट कीजिए कि क्या पर्पस है, तो हमारा आंसर होगा नंबर थ्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिजनेस लेटर्स प्रोड्यूस इमीडिएट इफेक्ट बिकॉज दे आर, अब देखिए इमीडिएट इफेक्ट करता है बिजनेस लेटर, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं हमेशा इनफॉर्मल तो होता नहीं, इंटरेस्टिंग तो होता नहीं, ब्रीफ में ठीक है लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर होगा फॉर्मल, ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या होता है फॉर्मल होता है, इसलिए हमेशा इमीडिएट इफेक्ट करता है कौन सा, बिजनेस लेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंप्लिसिटी इन राइटिंग मीन्स एसेंशियली, अब देखिए सिंप्लिसिटी मतलब क्या होता है, किसी भी राइटिंग करने के लिए सिंप्लिसिटी मतलब क्या है, द यूज़ ऑफ सिंपल सेंटेंस, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सेंटेंस का यूज़ करने से कोई सिंप्लिसिटी नहीं होती। नेक्स्ट है प्लेननेस, द यूज़ ऑफ सिंपल टेंस, ठीक है, सिंपल टेंस का भी यूज़ करने से सिंप्लिसिटी नहीं होती, यूज़ ऑफ सिंपल वर्ड्स, प्लेननेस, ठीक है, एक सादगी की बात होती है, ठीक है, सिंप्लिसिटी एक सादगी की बात होती है, तो प्लेननेस में तो होता है सादगी, और यहाँ पे सादगी होना चाहिए किसी भी एक सिंप्लिसिटी राइटिंग में, ठीक है, सिंप्लिसिटी राइटिंग का सेंस ही उसी से लिया जाता है कि उस लेटर में क्या हो, सादगी हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मॉडर्न बिजनेस लेटर्स आर यूजुअली रिटन इन, ठीक है। अब देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, मॉडर्न जो बिजनेस लेटर्स हैं और एक ट्रेडिशनल जो बिजनेस लेटर होता है या फिर जो ओल्ड बिजनेस लेटर है, इन दोनों में क्या अंतर है, तो इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, तो क्या होगा इसका आंसर, जो मॉडर्न बिजनेस लेटर है वो हमेशा फुल ब्लॉक स्टाइल में लिखा जाता है, ठीक है, वो इंडेंट पैटर्न पे नहीं लिखा जाता, इंडेंट पैटर्न मतलब वही कि इधर एक लेफ्ट में एक राइट में फिर सेंटर में, ऐसा कुछ नहीं है, सारी की सारी चीज़ें कहाँ रहेगी, लेफ्ट अलाइंट रहती हैं, ठीक है, इसको कहते हैं फुल ब्लॉक स्टाइल। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ एंडिंग लेटर, किसी भी लेटर को जब एंडिंग करेंगे, जो हम सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे थे वो कैसा होना चाहिए, तो देखिए आपको एपोस्ट्रॉफी भी नहीं लगाना है, ये भी गलत है, अगर एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं तो ये भी गलत है, ठीक है, ये एस नहीं लिखा है तो ये भी गलत है, योर्स फैथफुल नहीं होता, फैथफुली होता है तो ये भी गलत है, तो हमारा आंसर क्या होगा, योर्स फैथफुली, ध्यान रखिएगा योर्स एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है, वाई ओ यू आर एस कंटिन्यू रहेगा और वाई को हमेशा कैपिटल में लिखना है, ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। आगे बढ़ते हैं, पिक आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग पब्लिक सैल्यूटेशन इन डेमी ऑफिशियल लेटर, तो डेमी ऑफिशियल लेटर में क्या होगा, करेक्ट फॉर्म क्या होगा उसको, अगर डेमी ऑफिशियल लेटर अर्धशासकीय पत्र लिख रहे हैं तो हम वहाँ पे सैल्यूटेशन किस तरह से लगाएंगे, तो वहाँ पे सैल्यूटेशन लगाने का सबसे बेस्ट फंडा होता है डियर सर, ठीक है, और नाम भी लिखें, डियर सर आपका ऑफिशियल को रिप्रेजेंट कर दिया और नाम आपने लिखा वो अनऑफिशियल को रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, दैट मीन्स डेमी ऑफिशियल लेटर हो गया, तो वहाँ पे सैल्यूटेशन आपका लगेगा, आपको डियर सर लिखना है, उसके बाद आपको वहाँ पे नाम भी देना है, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड सब्सक्रिप्शन मस्ट बिगिन विद, ठीक है, कोई भी सब्सक्रिप्शन जैसे लिखते हैं तो सब्सक्रिप्शन का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो किससे बिगिन होना चाहिए, वो किससे शुरुआत होनी चाहिए, तो हमेशा उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होनी चाहिए, है ना, कोई हाइफन कोई स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए। 12th, this is necessary after salutation, ठीक है, अब किसी भी सैल्यूटेशन के बाद क्या लगाना चाहिए, कि फुल स्टॉप लगाते हैं कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क तो लगा नहीं सकते, तो क्या लगाएंगे हम वहाँ पे, कॉमा, कॉमा का यूज़ करते हैं, जैसे हम सैल्यूटेशन लगाते हैं, जैसे सर ऐसे हमने लिखा, सर लिखने के बाद छोटा सा ऐसे कॉमा यूज़ कर देते हैं छोटा सा, ठीक है, ये आपका एक तरीका है सैल्यूटेशन लिखने का। आगे बढ़ें, सब्सक्रिप्शन इज द, ठीक है, सब्सक्रिप्शन इज द, अब देखिए बात हो रही है सब्सक्रिप्शन कहाँ पे होता है, सब्सक्रिप्शन इज द बिगिनिंग ऑफ द लेटर, द एंड ऑफ द लेटर, द बॉडी ऑफ द लेटर, नन ऑफ दिस, बॉडी में तो हो नहीं सकता, बॉडी ऑफ द लेटर मतलब ये तो मेन कंटेंट आता है, नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, है ना, द बिगिनिंग ऑफ लेटर, शुरुआत में हम सब्सक्रिप्शन नहीं लिखते हैं, तो कहाँ लिखते हैं, एंड ऑफ लेटर, लेटर के लास्ट में लिखते हैं, जो योर फैथफुली योर सिंसियरली की बात जो हो रही थी वही आपका क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। सैल्यूटेशन इज, सैल्यूटेशन क्या है, सैल्यूटेशन इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म यूज टू बिगिन अ लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज टू अ लेटर, मेन पार्ट ऑफ लेटर, मेन पार्ट होता है क्या, नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता, तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ लेटर भी नहीं हो सकता और
माफ कीजिएगा, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आ रही है। ठीक है, सैल्यूटेशन इज, ठीक है, सैल्यूटेशन क्या है? तो सैल्यूटेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री, देखिए दो ही चीज़ पे अपने को देखना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ऑफ लेटर, क्लोज में तो होता नहीं है, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री यूज्ड टू बिगिन अ लेटर, किसी भी लेटर के स्टार्ट में, शुरुआत में हम सैल्यूटेशन का यूज़ करते हैं, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, आंसर क्या होगा ए, ठीक है। कॉलिक्वल, कॉलिक्वल लैंग्वेज इज यूज टू, कॉलिक्वल मतलब होता है जो हमारा जनरल, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है उसकी बात होते हैं, उसको कॉलिकल लैंग्वेज कहते हैं। तो कॉलिकल लैंग्वेज यूज़ कहाँ पे करते हैं? किसी एडिटर के लिए करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, किसी ऑफिशियल में करेंगे, नहीं करेंगे, बिजनेस लेटर भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉलिकल लैंग्वेज हमेशा यूज़ करता है इनफॉर्मल लेटर में। तो हमारा आंसर होगा किसके लिए? फ्रेंड्स के लिए। फ्रेंड्स के लिए हम आम बोलचाल की भाषा, जो भी अपन रे, बे, अरे, यार, तू, मैं, ये सब यूज़ करते हैं, वो कॉलिकल लैंग्वेज के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट फाइंड प्लेस इन ऑफिशियल लेटर्स, ठीक है, किसी भी ऑफिशियल लेटर में क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसकी बात करें, क्लैरिटी ऑब्वियसली होना चाहिए, सिंप्लिसिटी इट्स वेरी ऑब्वियस होना चाहिए, ब्रेविटी, ठीक है, ब्रेविटी मतलब होता है संक्षिप्ति, जो कंसाइज करते हैं, जिसको हम छोटा छोटा करके लिखते हैं, बिल्कुल ब्रेविटी होनी चाहिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा ना हो, ठीक है, वर्बोसिटी नहीं होनी चाहिए, ये आपका होगा, ये वर्बोसिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, वॉट इज द नेम एंड एड्रेस यू आर राइटिंग टू कॉल्ड, ठीक है, जो भी हम नेम या एड्रेस लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है, किसी भी लेटर का जो नेम या एड्रेस होता है उसको हम कहते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है, जो लेटर क्या लिखना चाहिए, क्या कहना चाहिए, जिसको हम लिख रहे हैं कहना चाहिए, जैसे कैसे, जो पाने वाला है, यस यस, जिसको हम लिख रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लिख रहे हैं, तो क्या होता है वहाँ पे, इनसाइड एड्रेस, जिसको हम लिख रहे हैं उसके एड्रेस को हम कहते हैं इनसाइड एड्रेस, ठीक है, क्या कहलाता है, इनसाइड एड्रेस, ध्यान दीजिएगा इस बात को। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज वन रीजन यू कैन राइट अ बिजनेस लेटर, ठीक है, बिजनेस लेटर लिखने का क्या रीजन है, ठीक है, अब बता दीजिए भाई, बिजनेस लेटर तो साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर फोर, क्योंकि हम किसी भी प्रोडक्ट के कंसर्न में बात कर रहे हैं, हमको तो फनी स्टोरी कुछ कहना नहीं है, ठीक है, ना हमारे होल डे एक्टिविटी के बारे में कुछ कहना है, ना हमने बर्थडे मिस कर दिया उसके बारे में कुछ कहना है, तो क्या होगा, टू एक्सप्रेस अ कंसर्न फॉर अ प्रोडक्ट, ठीक है, किसी प्रोडक्ट के कंसर्न पर बात करना है। डेमी ऑफिशियल लेटर आर जनरली रिटर्न टू, और डेमी ऑफिशियल लेटर किसको लिखा जाता है, ठीक है, डेमी ऑफिशियल लेटर हम देखिए उसमें क्या होता है, डमी ऑफिसर लेटर में हम अपने से नीचे के अधिकारी को भी लिख सकते हैं, अपने से ऊपर के अधिकारी को भी लिख सकते हैं, दोनों के लिए डमी ऑफिसर लेटर यूज़ कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमको सिर्फ सबऑर्डिनेट को लिखना है, ये जरूरी नहीं कि केवल हमको हायर अथॉरिटी को लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों को लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा नंबर थ्री, द सिमिलर रैंक ऑफिसर को भी लिख सकते हैं, द सबऑर्डिनेट को भी लिख सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं हम डमी ऑफिसर लेटर, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन द डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर इन, अब किसी भी किस लेटर में क्या चीज़ जरूरी है, मतलब डेजिग्नेशन ऑफ लेटर किस टाइप के लेटर में हमको लिखना जरूरी है, क्या मेंशन करना जरूरी है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। एन ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर में हम मेंशन करते हैं कि डेमी ऑफिशियल में मेंशन करते हैं कि दोनों में मेंशन करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा आपका, एक और दो, दोनों, थोड़ा सा माउस, ठीक है, ये क्या होगा आपका, एक और दो, दोनों, दोनों को यूज़ करते हैं डमी ऑफिशियल लेटर में, नहीं दोनों नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, यहाँ पे ऑफिशियल में भी यूज़ करते हैं, डमी ऑफिशियल में हमको अपना डेजिग्नेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमको ऑलरेडी जानते रहते हैं, ठीक है, तो इसी यहाँ पे मिस्टेक होगी, डमी ऑफिशियल में क्या होता है, हमको ऑलरेडी जानते रहते हैं, हमसे उनका रिलेशन होता है, तो जो रिलेशन होता है ऑलरेडी, तो उनसे हम अपने डेजिग्नेशन की हम क्या है ये बताने की जरूरत नहीं होती है, तो इन ऑफिशियल लेटर में ही हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर शुड द सैल्यूटेशन बी मेंशन इन एन ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर में सैल्यूटेशन को कहाँ पे लिखना चाहिए, कहाँ पे मेंशन करना चाहिए, तो सीधी सी बात है, मैं शुरू से चर्चा करते आ रहा हूँ उसको, ठीक है, कहाँ पे लिखना चाहिए, एट द लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, हमेशा सैल्यूटेशन जो डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड, जो भी लिखते हैं हम कहाँ पे, लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ें, ठीक है। ऑफिशियल लेटर्स आर रिटर्न टू, ऑफिशियल लेटर किसको लिखा जाता है, किसके लिए लिखा जाता है,
तो ऑफिशियल लेटर तो आधिकारिक पत्र छोटे से बड़े, बड़े से छोटे दोनों को लिख सकते हैं। हाई रैंक ऑफिसर बाय हिज सबॉर्डिनेट ऑफिसर, सबॉर्डिनेट ऑफिसर बाय देयर हाई रैंक ऑफिसर, तो एक दूसरे को लिख सकते हैं, ऊंचे वाले नीचे को, नीचे वाले ऊंचे को, या बराबर वाले को भी हम ऑफिशियल लेटर लिख सकते हैं। इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है कि कहाँ पर लिखना है कहाँ पर, मतलब ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा 3, 1 एंड 2 दोनों, ठीक है, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट, इन अ फॉर्मल लेटर व्हाट इज द नेम गिवन टू द एड्रेस एंड डेट एट द टॉप, ठीक है, क्या रहता है एड्रेस और डेट जो होता है उसको हम कहते क्या है, सीधा सीधा बात है। तो एड्रेस और जो रहता है उसको हम कहते हैं हेडिंग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, हेडिंग कहते हैं, जो टॉप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, इन ऑर्डर टू हैव डिजायर्ड इफेक्ट ऑन रिसिपिएंट व्हाट शुड अ फॉर्मल लेटर बी, ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पे फॉर्मल लेटर में, क्या क्या होना चाहिए जो हम चाह रहे हैं उसके ऊपर, जो हमारी फॉर्मल लेटर लिखने का जो इफेक्ट है वो सही से पड़े, जो हमारी डिज़ायर इफेक्ट है और जो रिसिपिएंट है उसके ऊपर पढ़ना चाहिए, तो प्रॉपर फॉर्मेट में भी हो, ठीक है, ये भी जरूरी है, ठीक है, टू द पॉइंट हो, रिलेवेंट हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, ये भी जरूरी है। तो सब क्या होता है, ऑल ऑफ द एबव, सभी कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर, द मेन पॉइंट इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, ठीक है, जो मेन पॉइंट है किसी फॉर्मल लेटर में वो कहाँ पे लिखा जाता है, तो वो बॉडी पे लिखा जाता है। क्लोजिंग में हम मेन पार्ट को नहीं लिखते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखते, ओपनिंग में भी नहीं लिखते, क्लोजिंग में भी लिखते हैं। जो मेन बॉडी होती है जिसको अपन तीन पैराग्राफ में लिखते हैं, वहाँ पे हम इन तीनों को, जो मेन पॉइंट होता है, कोर पार्ट होता है कोई भी लेटर का, उसको हम वहाँ पे लिखते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको लेटर से कुछ MCQ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच।